गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम नरेश मोहाल, वीजीटी मैथमेटिक्स. टुडे इज टॉपिक डेरिवेटिव. डेरिवेटिव जो हमारा प्लस टू क्लास में चल रहा था उसके हम 5.3 एक्सरसाइज के सम अब करने वाले हैं. फाइंड डी वाई आवर डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. हमें फंक्शन गिवन है जैसे 2x. फर्स्ट सम कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.3 का. 2x प्लस में 3y इक्वल साइन एक्स. एक्सरसाइज हमारी 5.3 की हम सम कर रहे हैं आज. डेरिवेटिव करना है. फाइंड डी वाई और डी एक्स फर्स्ट सम है और फाइंड करना है हमें डी वाई और डी एक्स. डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. बोथ साइड दोनों साइड डिफरेंट कीजिए. विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स का तो वन हो जाएगा. प्लस 3 वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा और डिवाइड में जो इधर मल्टीपल में जो 3 है वो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा. यानी कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज रिक्वायर्ड आंसर. डी वाई ओवर डी एक्स हो हमारा ये आ जाएगा. इस तरह से हमें डेरिवेटिव करनी है. वाई की टर्म इस साइड हो सकती है, बीच में हो सकती है, कहीं पर भी आप डेरिवेटिव कीजिए. वाई का डेरिवेटिव हमारा डी वाई ओवर डी एक्स होगा और जो डी वाई और डी एक्स की जो टर्म होगी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे. बाकी सभी टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और ओनली डी वाई और डी एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो वो हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा. जो भी हमें गिवन फंक्शन होगा उसका हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा. तो सिमिलरली हम इसी तरह से सम ट्राई करेंगे और बहुत इजी सम है. अगर वाई और एक्स दोनों के अगर आ जाए फंक्शन तो उनमें मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है. 5.3 एक्सरसाइज के हम आज 8-9 सम आराम से कर लेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं रहने वाली. मैं आपको सीधा ही 6th सम करा देता हूँ. 6th जो सम हमारा रहेगा वो रहेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल 81. फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड. लिखना चाहें आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड. दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं. तो यहां एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होता है, 3x स्क्वायर. पावर आगे और एक पावर कम होता है और एक्स का फिर वन हो जाता है. यहां पे हमारे दो मल्टीप्लाई फंक्शन आ चुके हैं. प्रोडक्ट रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो यहाँ प्रोडक्ट आ चुके हैं, वो फार्मूला लगेगा यूवी का. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज. सेकंड का डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई और डी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज. फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा. तो इस पे फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल. एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट में आ गए, दो फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर है, दोनों वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर है. तो हमें यू अपॉन वी फार्मूला लगाना होता है और फार्मूला कहता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज रखिए सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज रखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव. सिमिलरली यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करें तो पहले इसकी पावर का होगा, 2 पावर है तो 2 आगे और एक पावर कम, फिर वाई का होगा डी वाई ओवर डी एक्स. ये वाई स्केयर का डेरिवेटिव पूरा आ गया हमारा. फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव. फर्स्ट एक्स है यहाँ पे, एक्स का करेंगे तो वो वन आ जाएगा और प्लस वाई क्यूब का भी हम करेंगे तो पहले पावर का होगा 3y स्क्वायर. 3 पावर आगे पावर कम, ये पावर का हो गया और वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा. और इस साइड 81 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया. हमने सभी टर्म्स का 1/1 डेरिवेटिव कर दिया. अब यहाँ देखिए जो डी वाई ओवर डी एक्स की टर्म है, हमारे यहाँ 3 टर्म्स है डी वाई ओवर डी एक्स की, तो इनमें से टेकिंग आउट डी वाई एंड डी एक्स.